दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मोनी बाबा जी से भेंट करने के लिए, उनके दर्शन के लिए और उनकी आशीर्वाद के लिए। और वहाँ मैं उनको एक ध्वजा रख के आरोहण के लिए प्रार्थना करूँगा। अगर जो वह हमें आज्ञा देंगे तो हम वहाँ एक ध्वजा आरोहण करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं बाबा जी के आश्रम जो कि तपोवन में स्थित है। और देखिए मोनी बाबा जी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं साथ में, और उनके सानिध्य में, उनके चरणों में हम बैठे हुए हैं एक तरह से। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा। तो दो शब्द जो है बाबा जी बस हमें आशीर्वाद के बोल दें तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार हमारे सिर पे हाथ रख दीजिए। हाथ जोड़ते हैं बाबा जी का आश्रम। और यहाँ पर देखिए बाबा जी ने यात्रियों के लिए जो है रूम बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर यात्री लोग आते हैं वो यहाँ पर रुक सकते हैं। और एक रूम लेफ्ट साइड पे, एक रूम राइट साइड पे। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इस तरह की व्यवस्था है। बहुत ही नॉमिनल जो है वो केवल एक खर्चा ही लिया जाता है बाबा जी के द्वारा। और ये देखिए आप, वो ऊपर जो है वो बाबा जी की कुटिया है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये एक रूम है, और ये शायद स्टोर रूम बाबा जी ने बनाया है। और उसके बाद ये बाबा जी की ऊपर की तरफ कुटिया है, यहाँ देख सकते हैं हम। तो दोस्तों देखिए आप, जो तपस्या करने के लिए यहाँ पर ऋषि मुनि और संत रुका करते हैं वो देखिए इस तरह के जो है कंदराओं में और गुफाओं में रुकते हैं। इसमें कुछ टाइम पहले अभी पता चला है कि भालू ने घुस के बहुत नुकसान कर दिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक गुफा है और इसमें सामान रखा हुआ था महाराज जी का, और भालू घुस गया इसके अंदर और उसने सारा सामान खराब कर दिया और जो है सब चीज़ खा पी के सब बिखेर दिया। तो ये देखिए हिमालय योगियों की गुफाएं, इन्हीं गुफाओं में वो बैठकर तपस्या करते हैं। और अभी देखिए ये थोड़ा बाहर से फिर दोबारा से इसको रेनोवेट किया गया है। दोस्तों आप देखिए, ओ देखिए जस्ट कितने खूबसूरत दर्शन सामने ही देखिए मुनि बाबा जी का आश्रम, अद्भुत। और नीचे देखिए कितना बादल आ चुका है। महादेव ओम नमः शिवाय। तो हमारे बाबा जी की देखिए अंदर से कुटिया। दोस्तों तो मैं कुटिया दिखाता हूँ अंदर से बाबा जी की। ये है बाबा जी का किचन, और ये है बाबा जी का मेन विश्राम स्थल। देखिए ये बाबा जी की कुटिया है। बाबा जी ने पूरा इंसुलेट किया हुआ है कुटिया को, क्योंकि बाबा जी देखिए यहीं रहते हैं ठंडी में भी। ये बाबा जी का पूजा स्थल। जय हो जय हो। देखिए शालिग्राम जी भी स्थापित किए हुए बाबा जी ने, बहुत सुंदर। और बाबा जी जय हो बाबा जी। बाबा जी की पूरी कृपा रही, नंदनवन और वासुकी बाबा जी की कृपा से ही हो पाया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं कर पाऊंगा, बाबा जी के आशीर्वाद था, मेरे कृपा थी तो मैं कर पाया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर। तो दोस्तों मैं हूं अभी मोनी बाबा जी के आश्रम में, और जो कि तपोवन में 2008 से यहां पर रह रहे हैं।
और हिमालय योगी हैं, अद्भुत योगी हैं, मौन व्रत रखा हुआ था बहुत समय से, बात नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली वो मतलब जब स्नो फॉल हो जाता है तो स्नो में भी बाबा जी यहीं रहते हैं। तो बाबा जी ने अभी हमें बताया कि कुछ जो एक दो और बाबा जी हैं वो भी मतलब यहीं रहते हैं जब स्नो फॉल हो जाता है। तो देखिए हिमालय योगी हैं तो साधना और अपनी उसमें लीन रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये जो है उन्होंने हमें वृतांत दिया थोड़ा सा। बाबा जी ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं तो हम लोगों से बाबा जी ने थोड़ा टाइम भी दिया और बाबा जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को जो है हम फील करते हैं कि बाबा जी ने हमें इतना समय दे करके हमें आशीर्वाद प्रदान किया है। और उनकी कुटिया आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में है, जो कि थोड़ा सा अभी बता रहे हैं तो कुछ दिन पहले बाबा जी नीचे गए थे तो यहाँ ऊपर तपोवन में कोई नहीं था, तो इस वजह से जो है कुछ भालू वालू आ गए थे तो उन्होंने थोड़ा सा डैमेज किया, तो उसकी रिपेयरिंग बाबा जी करवा रहे हैं। दोस्तों एक घंटा मुनि बाबा के सानिध्य में बैठकर हमारा जीवन धन्य हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाराज जी ने इतना समय दिया। रात को हम उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने बोला कि आप सुबह आना और सुबह आकर के मैं थोड़ा आपको समय भी दे पाऊंगा। बहुत ही सुंदर। तो अभी देखिए ये महादेव का ध्वजा आरोहण करने जा रहे हैं हम। महाराज जी ने बताया है कि वहाँ ऊपर जा कर के वो टिब्बा जो नज़र आ रहा है वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और वहाँ पर ही हम लोग जो है जा रहे हैं अभी और इस ध्वजा का आरोहण। तो बाबा जी के आदेशानुसार हम लोग वहाँ करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महादेव की ध्वजा जिसपे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का बारंबार जाप है। और आप देखिए जो शिवलिंग विराजमान साक्षात महादेव विराजमान, बहुत सुंदर। लेफ्ट साइड पे भागीरथी पीक वो सामने आप देख रहे हैं और इसके लेफ्ट साइड में ही जो है गोमुख ग्लेशियर जो है। दोस्तों हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सुंदर। सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जी ने हमें इतना समय दिया और बाबा जी ने हमें इतना जो है सत्संग सुनाया। हर हर महादेव। वीडियो कर दो। बाबा जी की कृपा से ही मैं नंदनवन और तपोवन की यात्रा कर पाया। हर हर महादेव। जय हो बाबा जी।